खरगोन जिले में 2 दिन से लापता युवक की बाइक इंदिरा सागर नहर के समीप ग्राम लोहारी में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि युवक 2 दिन से लापता था, जिसकी बाइक नहर के समीप मिली। वहीं मौके पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए, जिससे परिजन ने हत्या की आशंका जताकर खरगोन इंदौर मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान भारी संख्या में जिले का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, परिजनों को हटाया। मीडिया से रूबरू परिजन ने हत्या की आशंका जताकर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि लाश ढूंढने में कोताही बरती जा रही है, इसीलिए जाम लगाया गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आप तो कर रहे हैं, बड़े अधिकारी लेवल पे कुछ काम नहीं हो पा रहा। काम लगाया आप लोगों ने यहाँ पे, क्या कारण बताएं? ये है ना, 3 रोज हो गए हैं और अभी तक पानी कोई कम नहीं हुआ है। हमारा बच्चा, और हमारा बच्चा कब से गुम हुआ है, उसका मर्डर करके फेंका उसको, और इसकी कोई जानकारी नहीं अभी तक दी गई है। उसकी गाड़ी और चप्पल, उसकी गाड़ी मिली है, वहाँ पत्थर मिले हैं खून में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि अभी नहर का पानी बंद हो जाए और हमको हमारा परिजनों को सौंप दे जाए, हमारा जो भतीजा है वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।